गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार जंतु जगत का वर्गीकरण आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पादप जगत का भी वर्गीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, जंतु जगत में हमने बताया था कि उनमें विभिन्न प्रकार की समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है कि उनकी समानता असमानता, ठीक है, के आधार पर पेड़ पौधों को भी क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे पेड़ हों या पौधे हों या जंतु हों या एनिमल हों, उनके सभी लक्षणों का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं। उनके जीवन के सभी बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने आपको बताया था कि जंतु जगत का जो पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः चार बिंदुओं पर आधारित है। पहला जो हमने बताया था शारीरिक तथा रचनात्मक जटिलता के आधार पर, ठीक है, उनकी शारीरिक संरचना हो गई ना, तो इन सब के आधार पर, तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवाहन के लिए विशिष्ट ऊतकों की इनमें का विकास के आधार पर, और बीज धारण क्षमता अर्थात बीज को धारण कर मतलब बीज की जो विकास है उसके आधार पर, और फल बनने की प्रक्रिया के आधार पर भी हम इसे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि पादप जगत को निम्नलिखित पांच भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा पहला थैलोफाइटा ना, इसमें हमने बताया कि इसमें ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती आदि का क्या होता है, अभाव होता है, इसीलिए इन्हें थैलस भी कहा जाता है। फिर इनके उदाहरण भी हमने बताए स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, इसमें हमने बताया इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है, ठीक है। हमने क्या बताया इसमें, हमने इसमें बताया था कि थैलो ब्रायोफाइटा में हमने बताया कि ये जो थैलोफाइटा है ना उनसे काफ़ी जटिल इनकी क्या होती है, संरचना होती है ब्रायोफाइटा की। इनमें तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या है ब्रायोफाइटा में क्या है, इसमें जैसे थैलोफाइटा में था इसमें जड़ तना पत्तियों का क्या था, अभाव था, पर ब्रायोफाइटा में क्या होगा, इसमें जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, इनका अभाव नहीं होता है, इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर इनकी ब्रायोफाइटा की जड़ों की बात करें तो इनकी जो जड़ होती है वो स्थानीय, इनकी जो जड़ होती है जड़ के स्थान पर इनमें मूलाभास होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रायोफाइटा में तो थैलोफाइटा में तो हमने बताया कि इसमें जड़ होती ही नहीं है, पर जो ब्रायोफाइटा है इसमें जड़ के स्थान पर मूलाभास होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं, मतलब खनिज लवण का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये सारी बातें आपको बताई गई। अब हम लोग देखेंगे ट्रेकियोफाइटा, ठीक है, ट्रेकियोफाइटा ये क्या है बच्चों,
तो इन पौधों में संवाहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है। इसमें क्या होता है, इन पौधों में संवाहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है और वे जाइलम और फ्लोएम में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा में हम लोग देखेंगे, जो ट्रेकियोफाइटा है इसमें क्या है, इन पौधों में संवाहनी ऊतकों का क्या होता है, अच्छा विकास होता है और वे जाइलम और फ्लोएम में विभाजित होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने क्या बताया, ट्रेकियोफाइटा में हमने बताया कि इनमें पौधों में संवाहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है और ये पौधे जाइलम और फ्लोएम में क्या होते हैं बेटा, विभाजित होते हैं, ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, अब ट्रेकियोफाइटा को हम लोग निम्नलिखित तीन उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जो ट्रेकियोफाइटा है इसे निम्नलिखित तीन उप समूहों में क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जो कि पहला है टेरिटोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, पहला क्या है, टेरिडोफाइटा है। अब बच्चों टेरिडोफाइटा क्या है देखते हैं, तो इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन पौधों में क्या होते हैं, इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं। इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, इन पौधों में बीज और फल नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण है फल, इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि फल। ठीक है, तो क्या क्या हमने ट्रेकियोफाइटा को तीन भागों में, तीन उप समूहों में बांटा गया है। एक तो पहला क्या है, टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में क्या है, इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने उदाहरण क्या दिया, फर्न आपको उदाहरण दिया। अब इनके क्या गुण क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, तो बच्चों ये पौधे घरेलू पशुओं के चारे के तौर पे क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में हमने क्या बताया बच्चों, हमने बताया टेरिडोफाइटा में इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि फल, और इनका उपयोग जो है चारे के रूप में, दवाओं के रूप में किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीन उप समूहों में बांटा गया था, अब है जिम्नोस्पर्म। ठीक बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है। तो बच्चों वैसे पौधे जिनके बीज पूरी तरह से अनावृत हो और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या कहलाते हैं, हमने बताया कि जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे
ठीक है, वैसे पौधे जिनके बीज क्या हों, पूरी तरह से अनावृत हों, ठीक है, अनावृत हों और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है बेटा, उदाहरण है साइकस, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, साइकस है और पाइंस है, पाइंस है, पाइंस है, ठीक है। तो एक बार पुनः जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बताया, इसमें ऐसे पौधे आते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, पूरी तरह से अनावृत हों और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे साइकस, पाइंस ये सब हैं, या देवदार आदि। चलिए गुड़ इनके क्या हैं, गुड़ ये पौधे कैसे होते हैं, बारहमासी और बारहमासी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये पौधे, ये पौधे बारहमासी होते हैं। इनका प्रयोग क्या है, इनका लाभ क्या है, तो बच्चों इनका जो प्रयोग है, खाना, लकड़ी और दवा के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, खाना, दवा और लकड़ी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद है एंजियोस्पर्म, ठीक बच्चों, इसके बाद है एंजियोस्पर्म। तो हमने ट्रेडियोफाइटा को तीन समूहों में बांटा, ट्रेडियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो, एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए एंजियोस्पर्म के बारे में देखते हैं क्या है। तो बच्चों एंजियोस्पर्म ये यह पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है, क्या है, ये पादपों का सबसे, ये पादपों का सबसे, अरे क्या, ये पादपों का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, उपसमूह होता है, जिनके बीज जो हैं परतदार होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म जो है ये क्या है, यह पादपों का सबसे बड़ा उपसमूह है, ठीक है। इनके जो बीज होते हैं वो परतदार होते हैं और किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं। और हमारे प्रमुख जैसे पदार्थ, फाइबर, मसाले और पेय फसल, फूल व पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है बच्चों चिकित्सा में किया जाता है, एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं इनका उपयोग किसमें किया जाता है, चिकित्सा संबंधी रोगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।